अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो बतखें हैं ना, उनके लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया जाए, क्योंकि जब मैं सुबह इन्हें खोलने के लिए आती हूँ ना पिंजरे में से, तो गर्मी गर्मी लगती है और बेचारी ना पानी ढूंढती हैं। तो मैंने कहा एक छोटा सा बना देती हूँ जो एक दो हफ्ते तो आराम से चल जाएगा। चले हम वो बनाते हैं। गुड़िया को आवाज़ देती हूँ कि बहन ऊपर आओ, तुम्हारी जरूरत है हमको। और ऐसे काम करके ना मज़ा भी आता है, एक तो जानवरों को भी मज़ा आता है। अल्लाह मच्छर कुत्ते, इन मच्छरों को अल्लाह को गोली मार दे, इतना को बुरा काटते हैं। तो एक तो ये खुश हो जाती हैं, दूसरा ये कि मैंने ना इनका आज पिंजरा उठाया था ताकि उसे धूप लग जाए, और ये जो घास घास है ना, ये गीली हो गई थी, इसको मैंने धूप पे रखा है और इन्होंने इसके साथ आज खूब खेला, खूब इंजॉयमेंट की है। तो अभी शाम हो गई, अब धूप भी ख़त्म हो गई, अभी इनका बना देती हूँ, क्या बना देती हूँ, इनका स्विमिंग पूल सा, ताकि ये उसमें कल इंजॉय कर सकें। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। क्या कर लियो आप छोटे काका जी? क्या कर लियो? क्या कर लियो जी? क्या कर लियो? क्या कर लियो जी? क्या कर लियो? किसके ऊपर आके बैठ गयो छोटे बेबी? किसके ऊपर आके बैठ गयो? किसके ऊपर? किसके ऊपर? जी आप लोगों ने इस स्विमिंग पूल से डरना नहीं है कि ये मैंने आखिर क्या बनाया। ये मैंने सिर्फ वक्ती तौर पर बनाया, क्योंकि बतखें हैं ना, इनको पानी चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, थोड़ा सा दिल लगा लेगा इनका, और मेरा खुद का भी दिल लग जाता है इनके साथ। बंदा सारा दिन क्या करे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करे ना जिसको देख के आप लोगों को अच्छा लगे। तो सुबह जो है बतखों को फिर मैं इसमें से डोबे शोबे दूंगी, ताकि जो मैंने इतनी मेहनत की है ना, वो कोई काम तो आए। तो ये इनका मैंने स्विमिंग पूल बना दिया है छोटा सा, ताकि ना एक दो दिन इसमें ये इंजॉय कर ले, और फिर ये ख़राब खुद ही हो जाएगा। अभी इसमें डालते हैं पानी एक बाल्टी भर के, और साथ साथ मैं करूँगी छत को साफ, क्योंकि आज मैंने इनको फुल इजाज़त दी हुई थी, खुली छुट्टी दी थी कि तुम लोग जो है ना पूरी छत पर गन डालो, मज़े करो, इंजॉय करो। और मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ सामने का, ये देखिए खूबसूरत सी शाम। जैसे ही मैंने पानी डाला, मैं बतखों के पीछे पड़ गई। मैंने कहा इतनी मेहनत की है, अब कोई फ़ायदा तो हो, पर जैसे ही मगरिब के अजानें होती हैं ना, ये भाग जाती हैं। पानी क्या है ना, कुछ भी दो, ये बाहर नहीं आती। इतनी मेहनत मेरी ज़ाया होगी। तो सारा दिन जो मैंने मुर्गियों को फुल इंजॉय के लिए छत दी हुई थी ना, फिर उसका गंद तो मैंने उठाना ही था। फिर मैंने जी झाड़ू लगाया, ताकि छत जो है वो गंदी ना लगे। गंदी छत पर ना मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने सारे छत पर लगाया झाड़ू और उसे किया साफ। तो जी अभी रात हो गई, और बतखें जैसे ही मगरिब की अजानें होती हैं ना, उससे कुछ 5 मिनट पहले वो लोग अपने पिंजरे में चली जाती हैं, सारी की सारी मुर्गियां भी। तो इसलिए उन्होंने इस टाइम पानी में जाना पसंद नहीं किया। अब इंशाल्लाह कल मैं सुबह जब उन्हें निकालूंगी ना पिंजरे में से, तो फिर मैं देखती हूँ वो पानी में जाती हैं कि नहीं जाती, खुश होती हैं कि नहीं होती। वैसे खुश वो बहुत होंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलेंगे न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। और बिल्लियाँ चढ़ गई हैं वो सामने दीवार पे, देखो जरा इनकी हरकतें, ये देखें जी ये चढ़ गई हैं।